करें, यही सरकार है 10 साल तो देख लिए हम लोग, बदल देना। दम बदलने के लिए पूरा भारत रेडी है। ये दूसरा आजादी का लड़ाई है, पहला आजादी का लड़ाई हमारे बाप दादा लड़े थे और अभी का आजादी का लड़ाई हम लोग युवा नौजवान लड़ेंगे। सरकार भी आ जाए और मोदी जैसे आदमी 1000 आदमी धरती पर, भारत की धरती पर काम करने वाले हो जाए, तभी इस धरती चोरी डकैती हत्या आत्महत्या बलात्कार बेरोजगारी नशाखोरी कुपोषण मिलावट अविश्वास अहंकार झूठ सांच नीच ऊंच गरीबी अमीरी जात पात मारकाट लाखों प्रकार के भ्रष्टाचार बढ़ते ही जाएगा। क्या होता है 15 लाख रुपया अकाउंट में देना है, ये करना है वो करना है, कोरोना में इतना आदमी मर गया, सब मोहल्ले का आदमी आके सिटीजन आदमी हेल्प किया, मगर सरकार कुछ भी नहीं दिया लोगों को। मोदी जी ने अभी आर्मी में अभी 1 साल का 4 साल का आर्मी का आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, इतने बड़ी उम्र में कोई सरकार में हम नहीं देखे इतना बड़ा बड़ा आंदोलन। 800 पार नहीं है, 200 के अंदर सिमटा हुआ है। राम मंदिर बनवाए हो, 400 पार नहीं आएगा। राम मंदिर से पेट चल जाएगा, क्वालिफिकेशन लड़का विश्व स्तर पे पर्यटक लोग वहाँ पे घूमने आएगा ना, पागल हो गया आधा लड़का, पागल हो गया आधा, अंधभक्त में चल गया नौजवान का बता रहे रेशियो आपको, और पढ़ा लिखा लड़का आपको रोड पे इधर उधर आपको मारा चल रहा, कभी कोई काम कभी कोई काम कभी कोई काम। तो आप पीएम मोदी पढ़ाई करते हैं? जी हम बीकॉम के स्टूडेंट है। कहाँ से आपको, कौन सी यूनिवर्सिटी? पर्याय यूनिवर्सिटी सलेम चेन्नई। चेन्नई तो यहाँ पे, यहाँ पे हम लालू प्रसाद के हम कार्यकर्ता है। तो ये चुनाव के लिए यहाँ पे आए? जी बिल्कुल, हमको पंजाब, हमको कांग्रेस महागठबंधन को, संविधान को, अम्बेडकर जी के संविधान को बचाना है। राजा राम मोहन राय जो आपको आंदोलन किए, जो सब धर्म के बारे में बताएं कि सबको सही से लेके चलना है, तो वही हम लोग वही आंदोलन वाले हैं। हम लोग मोदी भक्त नहीं है, झूठ का भी हाथ होता है। 15 लाख रुपया अकाउंट में देना है, ये करना है वो करना है, कोरोना में इतना आदमी मर गया, सब मोहल्ले का आदमी आके सिटीजन आदमी हेल्प किया, मगर सरकार कुछ भी नहीं दिया लोगों को। मोदी जी ने अभी आर्मी में अभी 1 साल का 4 साल का आर्मी का आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, इतने बड़ी उम्र में कोई सरकार में हम नहीं देखे इतना बड़ा बड़ा आंदोलन आज तक, इतना गरीब बना तो कैसे हम लोग देंगे रोजगार, बताइए। अभी हम बेरोजगार है, अभी इंटर पास है हम, स्किल इंडिया का वो कोर्स किए हैं जो मोदी जी करा रहे हैं, कितना कोर्स करके बैठ गए, कहीं नौकरी में जहाँ जाता है जनरल फेंका जाता है, जहाँ देखता है ओबीसी फेंका जाता है, सब फैसिलिटी है। आरक्षण? कोई आरक्षण नहीं है, कोई आरक्षण नहीं मिलता है, क्या करें, यही सरकार है 10 साल तो देख लिए हम लोग, बदल देना। दम बदलने के लिए पूरा भारत रेडी है। ये दूसरा आजादी का लड़ाई है, पहला आजादी का लड़ाई हमारे बाप दादा लड़े थे और अभी का आजादी का लड़ाई हम लोग युवा नौजवान लड़ेंगे। हमारे साथ राजद के कर्ज दूसरा आजादी, आर्थिक आजादी की लड़ाई है। आज ये आर्थिक आजादी क्या है? आर्थिक आजादी अगर नहीं आएगी तो धरती पर जो चोरी डकैती हत्या आत्महत्या बलात्कार, इसका फॉर्मूला क्या है आर्थिक आजादी का? आर्थिक आजादी कैसे आएगी? आर्थिक आजादी लाने के लिए अमीरी सीमा लागू करनी पड़ेगी, लिमिट करना पड़ेगा संपत्ति का। इनके पास खरबों रुपया हो जाता है और आपके पास एक चाय के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, और सभी उन्हीं का मालिक है, बेटा बेटी सभी उन्हीं का है, इनमें उनमें आप क्या कमी है, लेकिन अगर खरबपति हो जाते हैं और आप 5-10 रुपए के लिए भी मांगना पड़ता है, तो ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सभी के पास पैसा होना चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए, हाइट करना हो तो 100 फीट डिप करना पड़ेगा, मिट्टी खोदना पड़ेगा 100 फीट हाइट, तो ये अकेले और पति हो जाते हैं तो गरीबी तो और बढ़ेगी ना, गरीबी तो और बढ़ेगी ना, तो गरीबी खत्म करने के लिए सबका मिनिमम रिक्वायरमेंट भोजन बस शिक्षा चिकित्सा आवास चाहिए। भोजन बस बहुत पहले का था, वो तो है, कहाँ है भोजन मिलता है ना, भोजन मिलता है, लेकिन भोजन के लिए सभी लोग लगे हुए हैं कि मेरा भोजन कमी नहीं हो, इसके लिए हम भाई भाई को मर्डर कर देता है ना, बाप बेटा को मर्डर कर रहा है, चलते हुए रोड पर मर्डर। हमारे साथ राजद के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने जो यूथ हैं, इधर कैमरा कीजिएगा, यूथ हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छा बात बोला है कि ये दूसरी आजादी की लड़ाई है और देखते हैं कि ये जो इंडिया अलायंस है ये कितना सफल होता है इस आम चुनाव में, क्या बीजेपी को शिकस्त करती है या नहीं। ये जातिवादि की नहीं है, ये महंगाई की लड़ाई है। 100 रुपए जो आप चावल खा रहे हैं वो 100 रुपए हर कास्ट खा रहा खरीद के, कोई भी कास्ट हो, गरीब हो अमीर हो, 5 किलो सड़ा हुआ राशन देने से किसी का जिंदगी सेट नहीं हो जाएगा। हम 5 डॉक्टर की इमरजेंसी में हाथ टूट जाएगा, 5 किलो राशन रहेगा, 2 किलो बचा रहेगा, हम बोलेंगे 2 किलो मोदी जी राशन दिए हैं मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, तो हॉस्पिटल कर देगा। तो आप खेती कीजिए ना, आपके पास अगर जमीन है तो आप खेती भी कर सकते हैं ना। कहाँ से जमीन है, हम लोग गरीब आदमी मिडिल क्लास आदमी कहाँ से जमीन लाए, कुछ नहीं, जमीन भी नहीं है, नहीं है कुछ भी नहीं है।
तो कहाँ से हम लोग अपना भविष्य कहाँ ढूंढेंगे? हम लोग तो अपना सरकारी से प्रधानमंत्री से ना गुहार लगाएंगे? 10 साल में तो उनको कान में जूं भी नहीं रूंगा। आप बोलते हैं कि नौवीं फेल, नौ पास है। आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो नौवीं फेल है, तो आप पीएम बने हैं तो आप कितने पास हैं? ये नियम जो है नौवीं जो पास आपके किसी एक पे आप उंगली उठा रहे हैं तो तीन उंगली आप पे, आपको भी प्रधानमंत्री फेले बनाया। मोदी जी बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार जब आएगी वो 400 सारी समस्या का हल, 400 पार एक जुमलाबाजी एजेंडा सेट किया गया कि पब्लिक का ध्यान 400 पार रहे, पब्लिक 400 सुने तो उसको बटन टिप दे कि 400 पहुंचा दे। लेकिन पब्लिक तो आप पकड़ लिया कमर, अब कहाँ घसीट रहा पब्लिक 400 से 300, फिर 300 से फिर 200, ऐसे है उनका रेशियो। चलिए आप अपनी लड़ाई लड़िए, सुने ना 400 पार भी आ जाए और मोदी जैसे आदमी 1000 आदमी धरती पर, भारत की धरती पर काम करने वाले हो जाए, तभी इस धरती चोरी डकैती हत्या आत्महत्या बलात्कार बेरोजगारी नशाखोरी कुपोषण मिलावट अविश्वास अहंकार झूठ साठ नीच ऊंच गरीबी अमीरी जात पात मारकाट लाखों प्रकार के भ्रष्टाचार बढ़ते ही जाएगा। वैसे मोदी जैसे 1000 भी काम करने आए तो इसलिए आपको समझिए इस बात को, आर्थिक आजादी जब तक नहीं आएगी तो आर्थिक आजादी का फॉर्मूला तो बताइए ना। नहीं कि अमीरी गरीबी रेखा हटाकर अमीरी रेखा लागू करना पड़ेगा तभी आएगी आर्थिक आजादी, तभी सबका कल्याण होगा। अमीरी रेखा जो आप बोल रहे हैं ये क्या है? लिमिट कब लगाएंगे कि भाई इसके पास 5 भी नहीं, मुझे बता रहे कैसे हो रहा है। इनके पास अगर 1 लाख है तो आपके पास 10 लाख होना चाहिए, 10 गुना का डिफरेंस होना चाहिए, न कि इनके पास 100 रुपया नहीं है, आप खरबों आपके पास है। आपकी बेटी 90 करोड़ की फ्रॉक पहनती है, 3 लाख से चाय स्टार्ट होता है, 600 गाड़ियां है, घर में 5-6 आदमी चढ़ने वाले हैं, 30-30 हजार करोड़ का मकान है, बहुत से डिफरेंस है, तो डिफरेंस खत्म करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज हो जाए पैसा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। मालिक ने जन्म से लेकर मरण तक सबके लिए सब कुछ इंतजाम कर देता है तब जन्म देता है, लेकिन चंद लोग 22 लोग भारत में ऐसा है कि आधा संपत्ति 22 लोगों के पास है, आधा संपत्ति उनके पास डेली 10 अरब से 20 अरब उनके अकाउंट में डेली जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, इसलिए सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज को बंद करना पड़ेगा तभी काम होगा। पार्टियों से बदलने वाला नहीं है, बदलेगा, ये लोग बदलेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी पार्टी आ जाए धरती का प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए हम लोग जानते हैं इस बात को। आज 76 साल से यही पार्टियां बदल रही है, हमारे पूर्वज जो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जो थे, 11 लाख लोग अपने 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 शरीर को आह्वान किए, अपना मैंने शरीर को त्याग दिए 11 लाख लोग, लेकिन कहाँ परिवर्तन हुआ? अंग्रेज जैसा था वैसे आज भी प्रॉब्लम है, वैसे ही आजाद जब से हुआ है उससे पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री जो नीचे स्तर पे आके रोड शो किया, भारत के इतिहास में कभी नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री रोड शो किया, ये पहली बार नहीं है। इंदिरा गांधी भी चली हुई थी पैदल, जब उनकी आपको अगर समझ हो तो वो भी चली हुई थी। देखिए इंदिरा गांधी जो चली थी वो दूसरे सेंस में चली थी, और ये सत्ता बचाने के लिए नहीं, सत्ता नहीं देश बचाने के लिए, देश बचाने के लिए नहीं है, इंदिरा गांधी देश बचाने के लिए ये नहीं चल रहे हैं, ये अपना सीट वोट मांगने का अलग अलग रोड शो कर रहे हैं, रोड शो नहीं करेंगे, रोड शो कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आपको अचानक से नॉमिनेशन के दिन रोड शो करने का क्या जरूरत है? आप पहले भी कर सकते थे 5 दिन पहले। आप मानते हैं कि वो आए हुए हैं तो उसका असर पड़ेगा 2 लोकसभा पे? नहीं, डर गए हैं, बौखला गए हैं सारे पार्टी, डर गए कि जितने भी कार्यकर्ता है जितने भी पार्टी सब डर गए हैं। इस बार सरकार है ना डमाडोल है, क्योंकि जनता जागरूक रही है, जनता जागरूक हो गया है, ठीक ना? आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान हुआ, हम यही पटना अशोक राजपथ के सब्जी बाग के रहने वाले जी। मेरी लड़ाई जो है ना किसी पार्टी से है ना किसी से, मेरी लड़ाई है जो वायलेंस हो रहा है पूरे भारत में, इतना सारा वायलेंस जो हो रहा है बेवजह, किसी को धर्म को लेके पार्टिकुलर एक सबमिट करके उसको ई किया जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा, मेरी लड़ाई उससे है। ये सरकार जब से आया 10 साल में खाली खून खराबा, लोगों का खाली दिमाग को डाइवर्ट करना, रोजगार के लिए कोई भी प्रिफ्रेंस नहीं देना, लोग इसी में परेशान है खाली। जय श्री राम, तेजस्वी जी नारा दिए हुए माई बाप का, इसमें कितना सक्सेस है? देखिए जय श्री राम अल्लाह, तेजस्वी जो नारा दिए है माई बाप, इसका इस बार समीकरण बनेगा पूरे बिहार में, तो ये कितना सक्सेस है? बिल्कुल सक्सेस है, बिल्कुल सक्सेस है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आपको अभी जब हमारी सरकार थी, आपको नीतीश कुमार चाचा जी के साथ पलटू राम जी के साथ, तो उस टाइम उन्होंने देने का काम किया नौकरी युवा को, कई लाख नौकरी देने का काम किया। और कांग्रेस अभी कितने बिहार में, कितने राज्य में कांग्रेस का किताब अभी जारी है, 400 रुपए गैस मिल रहा है लोगों को, 1 लाख रुपए मिल रहा है।
अमेठी उमेठी चल जाइए आप, कितने राज्य में कांग्रेस का किताब अब चालू हो गया है, कितना योजना चालू हो गया है राज्य में, कांग्रेस की सरकार ही नहीं है राज्य में, भारत के कई राज्य में, हमको राज्य अभी नहीं मालूम है नेम, कितने राज्य में जो कांग्रेस का बुक है 450 रुपए गैस और 1,00,000 रुपए सालाना महिला, जहाँ दे रही थी वहाँ सरकार चली गई उसकी, जहाँ जहाँ कांग्रेस ने दी हार गए ना, वो झूठा वादा नहीं है दिया, लेकिन सरकार चली गई, हम सरकार 10 साल हम इसको देख लिया, इसमें खाली हमारे आपस में बैर है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ खून खराब है इस सरकार में, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, नहीं नहीं हमको क्यों ना मानना है, नहीं आप भी परेशान है, जमीनी स्तर पे आप भी वर्क कर रहे हैं, तो आप भी आप फेस करते होंगे कि कितना स्ट्रगल है अभी धर्म को लेके, हर चीज को लेके, कहीं भी रोजगार करने में प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो ये सब कैसे, ये सब पॉलिटिक्स पार्टी सेट किया, इसलिए इस बार इसको उखाड़ फेंकना है, और महागठबंधन कांग्रेस पार्टी को इस बार चांस देना, अगर ये भी पार्टी मेरी चांस रही करेगी देखेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन है, सबको 5-5 साल चांस देना है, ठीक है और भी ठीक है।